हमारे सामने है गोल पोस्ट पे अमन मुंडा। और एक अच्छी शुरुआत आप कहेंगे कहीं ना कहीं बेहद के लिए। काफी कॉर्नर पे और सीधे गोल पोस्ट पे पूरे मैच में इन्होंने बहुत ही अच्छा खेल, लेकिन पेनाल्टी में यहाँ पे बहुत अच्छा शॉट ने सोनी के एलेक्स जो कि जैसे नंबर 5 के साथ सामने है जिसान राजा गोल पोस्ट पे। चलिए बराबरी पे इन्होंने भी एम कुमार का साथ दिया। चलिए अगर आप अपनी टीम के लिए कर सकते तो मैं क्यों नहीं, काफी बाहर और अभी भी दोनों ही टीम बराबरी में। हमारा लास्ट रन कटेगा रेडी रहिएगा। संदीप कुजूर शॉट लेने के लिए राजा स्पोर्ट्स बरियातू की ओर से गोल पोस्ट पे अमन मुंडा। अनाउंस करना चाहिए बहुत ही योग्यता यहाँ पे, बहुत ही शांत और शांति से इन्होंने काम कर दिया है। ये पहला गोल आ चुका है टाइब्रेकर में राजा स्पोर्ट्स बरियातू टीम के लिए। संतोष टोप्पू जैसे नंबर 13 एहल स्पोर्टिंग रांची की ओर से बहुत ही उमदा यहां पे ये तय कर पाना बहुत ही मुश्किल था कि कौन से पैर से इनका शॉट आएगा गोलकीपर के लिए। तौहीद आलम शॉट लेने के लिए जैसे नंबर 10 के साथ अमन मुंडा बिल्कुल तैयार है तौहीद की ये को रोकने के लिए। यहाँ पे आता हुआ अमन मुंडा, एक ही तो दिल है कितना बार आप जीतोगे। मैच में भी इन्होंने बहुत अच्छे सेव्स दिखाए थे, शॉट थोड़ा सा सीधा और बिल्कुल अटैम्प्ट सही। दीपक मैं तो हो गया अब गोल पोस्ट पे राजा स्पोर्ट्स बरियातू टीम के लिए गोल कीपिंग करते हुए। इनिशियली प्लान बीपीएफ राजा स्पोर्ट्स बरियातू की टीम हर एक सिचुएशन के लिए टीम के पास बैकअप मौजूद है। अब दीपक को अपना दम दिखाना पड़ेगा एक गोल से पिछड़ती हुई जैसे नंबर 16 शॉट लेने के लिए बिल्कुल तैयार है आशीष
हम अकेले हैं। और आशीष यहाँ पे आए जरूर, लेकिन गेंद को किया है बाहर। एक और बार यहाँ पे राजा स्पोर्ट्स बरियादो की टीम बराबरी पर। ये क्या होता है, काशिद अनवर अब शॉट लेने के लिए जैसे नंबर फोर बिल्कुल तैयार है। सामने है अमन मुंडा, पिछले शॉट को इन्होंने रोका था, आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा, लेकिन बराबरी में दोनों ही टीम है अभी भी। हाँ प्रवीण मेरे साथ है अंदर ग्राउंड के बीच में, देखो रिकॉर्ड कर रहे बाद में। और ये एक और बाहर, ये क्या हो रहा है भाई, राजा स्पोर्ट्स बरियादो काशिप इस शॉट को देखिए, गोल पोस्ट से काफी बाहर। दर्शकों को तो काफी मजा आ रहा है, लगातार ये इतना शोरगुल कर रहे हैं कि खिलाड़ियों का मनोबल एकदम तोड़ दे रहे हैं। केएल को एक और बार मौका मिला है। अमर मुंडा खुद आ चुके हैं गोल दागने के लिए, सामने होंगे दीपक, दोनों ही गोलकीपर हैं। अब छत वाले ज्यादा शुरू कर रहे हैं क्या, लगी है और फिर से मुश्किल बढ़ी है। राजा स्पोर्ट्स बरियादो की उम्मीदें अभी भी जिंदा है, खेल को लीड मिल जाती है फिर गवा देते हैं, फिर से लीड मिलती है फिर से गवा देते हैं। मनीष शॉट लेने के लिए जर्सी नंबर टू राजा स्पोर्ट्स बरियादो टीम के लिए। एक शानदार गोल आता हुआ मनीष के द्वारा सीधे क्वार्टर में पहुंच पाना अमन के लिए काफी मुश्किल, और अब दीपक होंगे गोल पोस्ट पर। जैसी नंबर चमकने की जरूरत है और अपनी टीम को भी चमकाने की जरूरत है। अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए शिवम
राजा स्पोर्ट्स बनियातों के ये माइंड गेम चल रहा है दोनों ही खिलाड़ियों के बीच। बहुत ही शानदार यहाँ पे शॉट आता हुआ सीधे कॉर्नर में, कोई मौका नहीं यहाँ पे अमन के लिए। Yeah, yeah.